हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोजागिरी। स्पेशल सेगमेंट में आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट मसाला दूध। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मसाला दूध बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, चीनी स्वादानुसार, आधा कप ड्राई फ्रूट्स, इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिए हैं, हरी इलायची का पाउडर आधा टेबलस्पून, पिंच ऑफ जायफल पाउडर और कुछ सैफ्रॉन यानी केसर। सबसे पहले हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स ग्राइंड कर लेंगे। ये पाउडर आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं और किसी भी स्वीट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध उबालने के लिए रखा है। दूध में अच्छे से उबाल आने के बाद हम ये तैयार ड्राई फ्रूट्स पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, चीनी डालेंगे स्वादानुसार, हरी इलायची का पाउडर और जायफल पाउडर डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मिनट अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें हम केसर डालेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर और दूध उबलने देंगे। थोड़ी देर के बाद ये देखिए दूध अच्छे से उबल गया है, ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। गैस बंद करके हम इसे सर्व कर लेंगे। मसाला दूध अब तैयार है, आप इसे गर्म या ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।